स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 अस्सलाम वालेकुम। आज जो को असा छा कंदा सी जेकी एक्सरसाइज आ चैप्टर नंबर पेरिन जी वा ताके मा उन जा कुछ प्रॉब्लम या कुछ पार्ट हल कराइंदस। पेरे पार्ट में आए फिल इन द ब्लैंक्स, पेरे पार्ट में आए फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स हल कयो। हां पेरे पेरे जो को जो प्रॉब्लम आए इसको इन जो पेरो प्रॉब्लम बे में फिल इन द ब्लैंक्स, टे में, चौथे में, पंजे में छा पवंदो। पेरे पार्ट में असांखे चवंदो फिल इन द ब्लैंक्स। हाणे चवे थो इफ ए इज़ इक्वल टू ए टी ई, चवे थो ए इज़ इक्वल टू ए टी ई, चवे थो काउंटिंग ऑफ एन ए। हाणे असांखां पुछो काउंटिंग ऑफ एन ए ॾिठे पाण कयो त काउंटिंग ऑफ ए अगरि टे एलिमेंट छा चवंदासीं, थ्री, हिते टे ईंदो। ॿियो तव्हांखे पुछे थो इफ बी इज़ इक्वल टू लेटर्स इन बनाना वर्ड, बनाना वर्ड में केतिरा लेटर थींदा। हाणे तव्हांजे किताब में लिखियलु आहे टे पोयां, इहो जवाबु ग़लति आहे। अगरि सेट जे लिहाज़ सां वठंदो टे सही आहे, पर असांखे चए थो बनाना लेटर, बनाना में लेटर्स केतिरा थींदा उहा काउंट करणा आहिनि। त एन ऑफ जेको बी थींदो उहो छह बि थींदो ऐं टे बि थींदो, तव्हां ॿई लिखी सघो था। छह कंहिंजे लिहाज़ सां टोटल हुनजा लेटर, टे कहिड़े लिहाज़ सां असां जेके कामन हुननि खे न खणूं, तव्हां ॿई लिखी सघो था। नाउ सी में चए थो द काउंटिंग नंबर लेस देन टेन, तव्हां काउंटिंग नंबर कयो जेके ॾह खां घटि हुजनि। ॾह खां घटि माना हिकु, ॿ, टे, चारि, पंज, छह, सत, अठ, नव, त हिन में काउंटिंग छा थींदो, नव थींदो। काउंटिंग ऑफ सी थींदो नाइन। उन खां पोइ आहे द लेटर इन स्लिप, हिन में थींदो काउंटिंग ऑफ डी, हिन में थींदा तव्हांजा चार। लास्ट में चए थो एक्स सच डेट एक्स द आर नंबर डिवाइजिबल बाए टू, उहे आर नंबर जेके लिखो जेके ॿ सां वंड कनि। अहिड़ो को आर्ड आहे कोन जंहिंखे ॿ खोड़ो वंडे, त कंदासीं काउंटिंग ऑफ ई थींदो ज़ीरो, माना हिन में काउंटिंग ऑफ ज़ीरो छा थींदो, ज़ीरो, को बि एलिमेंट न आहे। हाणे इहे थी विया तव्हांजा फिल इन द ब्लैंक्स असां कयासीं। ॿिए पार्ट में असांखे छा रखणो आहे, हिन जो सेकंड पार्ट, हीउ पहिरियों पार्ट। सेकंड पार्ट में चए थो स्टेट्स वेदर इज फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, तव्हांखे ॿुधाइणी आहे त इहा स्टेट फॉल्स आहे या ट्रू आहे। त पहिरियों पहिरियों असांखे ट्रू एंड फॉल्स, सेकंड पार्ट में ॿुधाए थो असांखे ट्रू फॉल्स ॿुधाइणो हुजे। पहिरियों पार्ट, ॿियो प्रॉब्लम, टियों प्रॉब्लम, चोथों प्रॉब्लम, पंजो प्रॉब्लम। हाणे चए थो हिते मेंबर रहे थो, चए थो ज़ीरो इज़ अ नल सेट, हीअं लिखे थो। त तव्हां ॿुधायो नल सेट आहे, सर इहो नल सेट न आहे। छो न आहे, त ज़ीरो ऑलरेडी मौजूदु आहे हिन जे अंदरि, त हिनखे चवंदासीं दिस इज़ अ नॉट नल सेट। हिन जेको आहे असांखे ग़लति ॿुधायो आहे, माना इहो छा थींदो पहिरें में, फॉल्स। पहिरियों जेको असांजी स्टेटमेंट आहे हिन किताब ॾिनी आहे उहा हिन ते फॉल्स, चवे थो ज़ीरो नल सेट आहे, इहो त बिल्कुलु ग़लति आहे, जो ज़ीरो हिन जे अंदरि एलिमेंट मौजूदु आहे। चए थो इक्विलेटर सेट, हाणे इक्विलेटर सेट जी डेफिनेशन ॾिए थो, इक्विवेलेंट सेट ताईं मां ॿुधायो आहे, इक्विवेलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सही आहे पुटु ग़लति आहे। चए थो इक्विलेटर सेट में साॻिया नंबर हूंदा आहिनि, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हिकु जहिड़ा नंबर हूंदा आहिनि, कामन हिकु जहिड़ा नंबर हूंदा आहिनि। टियो थींदो ट्यूज, इहो छा थींदो, ट्यू थींदो। न कॉर्डनली ऑफ द सेट पॉज़िटिव इंटीजर इनफिनाइट, हा सही आहे, इहो थींदो ट्रू। चए थो पॉज़िटिव इंटीजर में हीउ थो पॉज़िटिव वन टू थ्री कंटिन्यू हलंदो हले। चए थो हिन में जेको काउंटिंग ऑफ एन थींदो उहो इनफिनाइट थींदो, इनफिनाइट माना लामहदूद हलंदो हले, त इहो ट्रू आहे असांजो। चए थो चोथे नंबर में इफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट, चए थो ए इंटरसेक्शन बी कयूं इज़ अ नल सेट, देन ए डज़ नॉट, चए थो जेकॾहिं मां कढां, चोथे नंबर पुछे थो असांखां ए इंटरसेक्शन बी जो जेको जवाबु अचे थो उहो ख़ाली सेट थो अचे।
छा तो अचे खाली सेट तो अचे हाँ कंडीशन रहे तो देट मीन्स ए एंड बी डू नॉट हैव अ केम कॉमन एलिमेंट जारी गाल जो जो नल सेट आया है तो ए सेट में बी सेट में बिन्हीं में कॉमन एलिमेंट न होंदा न तरह नल सेट आया है ना यह असान स्टेटमेंट जी किताब वरी दिनी आ ट्यूरी में थी बिल्कुल सही भाई इन जो नल सेट आया है तो इन जहाँ भी सेट डिफरेंट हूँ इन जहाँ भी सेट डिफरेंट हूँ बिन्हीं जहाँ सागा न होंदा तरह जो नल सेट के नाउ पंजो नंबर द डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर टू यो तो गलत है कि तो असा बिन सेट जन डिफरेंस कयूं वो बराबर अचे इंटरसेक्शन के बिन सेट ये तो एग्जैक्ट गलत है ही तंगा पुछे तो चे तो ए बी ए माइनस बी की डिफरेंस कयूं वह ए इंटरसेक्शन बी के बराबर या गलत थी सही थी नहीं सर या बिल्कुल गलत है यो थी तो फॉल्स किताब रे फॉल्स इन जहाँ ब पार्ट थी बिन पार्टन में असा चा कियोसी पेरे में काउंटिंग कयोसी बी में पेरे में फिल इन द ब्लैंक्स कईसी बे कल में टू एंड फास कियोसी हाँ टियों जो पोर्शन है इन जो टियों पार्ट हाँ ही ताकि मां पेरे फिल इन द ब्लैंक्स करा जिनमें काउंटिंग जो वारो काउंटिंग वारो जो इनमें प्रॉब्लम हुआ काउंटिंग द नंबर सेकंड पार्ट में असा ट्रू फास पूछे पर असा सेकंड पार्ट में ट्रू फास करायो हाँ ताकि मैं समझाइंदो भी इन जहाँ ट्रू फास थींदा ही तक घर में इनकी फेर कापी ठाणियों इन आओ एक्सरसाइज कापे ना बटे डेफिनेशन लिखो जो करायन सेट थी सब सेट थी डिसजॉइंट सेट थी ओवरलैपिंग सेट थी ये डेफिनेशन तक लिखणियों उनमें नाउ टे पार्ट में चे तो असंख If A is equal to असा चे तो A बराबर है 2, 4, 6, 8 ए काम बी बराबर है बी बराबर दे तो असंखे 1, 3, 5, 7 फाइंड असंखे मालूम करो ए यूनियन बी असंखे चे तो यो हल कयो सिंपल आ बिल्कुल इनके हल के कंदासी सर बिल्कुल ईजी आ इनके हल करण जो तरीको बिल्कुल ईजी आ असा छा कंदासी सॉल्यूशन ए यूनियन बी लिखंदासी जो बराबर थींदो ए जा एलिमेंट कड़ा है ना 2, 4, 6, 8 विच में यूनियन जी साइन बी जहाँ सेट कड़ा है 1, 3, 5, 7 बी जो यूनियन कहसी तो ए यूनियन बी छे बराबर थी सर ए यूनियन बी बराबर थी 1, 3 क्योंकि यूनियन में असा सजा एलिमेंट ला रखा कॉमन भुजन ए नॉन कॉमन भुजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन जो जवाब थी ना मन इन जो जवाब थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन जहाँ मेंबर लाता है इन जहाँ मेंबर लाता एक कर सेट में रखा यो असो जवाब बिल्कुल सवलो है तुम्हें यूनियन सेखारे चुको आया यो टो पार्ट में इनो हल थी वो हाँ टे पार्ट तक में एक्सरसाइज में जैव किताब वरतो है वही किताब के लिहाज से कन किताब में ऐसी कर फिल इन द ब्लैंक्स लिखन चौथे चौथों पार्ट चौथे पार्ट में चवे तो ए इज इक्वल टू इफ ए इज इक्वल टू 3, 6, 9 कामा बी इज इक्वल टू 5 मतलब नल सेट के अंदर नल सेट फाइंड ए यूनियन बी इतने भी असं अचे तो ए यूनियन बी हल कयो चौथे पार्ट में
आणि याला काय होणार गेम नाव सॉल्यूशन ए यूनियन बी असा खबर आ ए यूनियन बी बराबर थींदो ए जा एलिमेंट केड़ा आहिन 3 6 ऐं 9 3 6 9 यूनियन हिते आ नल सेट जे अंदर नल सेट माना खाली जे अंदर खाली तो माना यो को भी से नथी नंजर को भी एलिमेंट ना आई तो ए यूनियन बी बराबर थींदो 3 6 9 हिन जो मकसद आए त नल सेट जे अंदर नल सेट माना नथिंग तो हिन जो यो सागो जवाब थींदो जेको 3 6 9 आई एजेंट्स ही तो खाली सेट के अंदर खाली सेट है तो खाली सेट के अंदर खाली सेट जो जवाब है सागो इंदो हाँ जो पंजो पार्ट क्यों लास्ट पार्ट तंगे कराया तो अज एतरा ही पार्ट तंगे कराइंद पंज पार्ट पंज पार्ट का पो तांके इंजा पंज पार्ट करे करे पो छा कंदो कुछ डेफिनेशन लिखरांदो डेफिनेशन था लिखजो उन का पो वरी अगते पार्ट शुरू करना सी फाइव पार्ट पंजे पार्ट में छा चतो वे इफ आर इज इक्वल टू 1 कमा 2 कमा 3 कमा 4 कमा 5 कमा 6 and s is equal to 0 3 6 9 and t is equal to 1 comma 3 comma 5 comma 7 चे तो फाइंड असा के मालूम करणवा छा फाइंड करणवा पेरे हिसाब में फाइंड करणवा है आर इंटेजन टी बिल्कुल सर सोलो आयो आर इंटेजन टी आर जा सॉल्यूशन इन के हल करना सीने जे पेरे पार्ट में बे में असा के पेरे आयो हल कयूं तो आर इंटेजन टी थिंदो आर जा एलिमेंट केड़ा है 1 कमा 2 कमा 3 कमा 4 कमा 5 कमा 6 विच में इंटरसेक्शन इज साइन उन का पो टी जा सेट केड़ा है 1 कमा 3 कमा 5 कमा 7 हन इन में ही लिखा सा आर जा विच में इंटरसेक्शन जो ऑपरेशन है ही लिखा टी जा तो बिनी के जना सा हल कंदा सी तो इंटरसेक्शन मकसद हुंदा है कॉमन एलिमेंट एक जड़ा एलिमेंट है एक जड़ा एलिमेंट केड़ा है एक एक के मौजूद है एक केते मौजूद है एक के मौजूद है 3 ते मौजूद है 3 ते मौजूद है 5 ते मौजूद है ठीक है और एक अब 7 ते मौजूद रहे तो 7 असन लिखना सी जे के अस ने कॉमन एलिमेंट होता सिर्फ ओए लिखना सी तो इन जो 1 कमा 3 कमा 5 यो तो इन जो आंसर आने बियो हिसाब चाहिए तो जको इन जो पंजे पार जो एस इंटरसेक्शन टी एस इंटरसेक्शन आर तो एस इंटरसेक्शन आर बराबर थिंदो एस जा एलिमेंट केड़ा है 0 3 6 9 इंटरसेक्शन जी साइन आर जा थिंदा 1 2 3 4 5 6 एस इंटरसेक्शन आर बराबर थींदो सागा एक जड़ा एलिमेंट 3 ते मौजूद आ 3 ते मौजूद आ 6 ते मौजूद आ 6 ते मौजूद आ बियो को आए माने 3 कमा 6 यो इन जो आंसर है ये इन जो आंसर है जो लास्ट प्रॉब्लम है ट्री इंटरसेक्शन एस ट्रियों पार्ट
टी इंटरसेक्शन एस द सॉल्यूशन द टी इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू पे टी जो एलिमेंट एक कामा टे कामा पंज कामा सत विच में इंटरसेक्शन साइन एस जो वैल्यू क्या सर एस जो वैल्यू आ जीरो कामा टे कामा छह कामा नव तो बिन्हीं में जो कॉमन एलिमेंट हाँ वे ला रखा इन सेट एक सेट में तो इतने टे मौजूद है इतने टे मौजूद है बो को मौजूद है वो बिना सर से टे सिर्फ यो तो इनजो आंसर हाँ इन टिन पोर्शन जे पंज पोर्शन कराया ये तक घर में इन फेयर कॉपी ठाणी है चैप्टर नंबर वन लिख एक्सरसाइज नंबर वन वो तुम पेपर में इनके किताब में इनके हल कौ जो तक मैं बुधाया है अगर इनमें को भी समझ में नो अचे तुम पुछी सोता असि वरी कर समझ में न आयो है।